क्या आप आईपीएस और आईएएस बनना चाहते हैं? इस मकसद को लेकर एचई मेडिकल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर यूनिवर्सल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तालीम और रोज़गार। सेमिनार की सदारत की मोहम्मद हनीफ अंसारी ने। मेहमान खुसूसी आईएएस अफसर एजाज अहमद ने कहा कि सभी यूनिवर्सल एकेडमी के तुलबा को ये जज्बा होना चाहिए कि यूनिवर्सल एकेडमी से आप अपने मुस्तकबिल की शुरुआत करें। सख्त मुशक्क़त और मेहनत के बाद आप आईएएस अफसर भी बन सकते हैं। इस तकरीब में रिजवान अहमद आईएएस सेंट्रल रेलवे ऑफिसर, श्री धुमाल डीसीपी जोन एक, श्री डीएस स्वामी जॉइंट सीपी, श्री मधुकर पांडे ऑल इंडिया कौमी तंजीम के मुनाफकीम और कई मौजूद शहरी शरीक थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 12वीं ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें ये बात पता नहीं होती कि आगे करियर ऑप्शंस क्या है, तो मुझे पता चला कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, अगर आप ये क्वालिफाई करोगे तो यू कैन गेट आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। तो मैंने उस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी हासिल की और फाइनली उस एग्ज़ाम के लिए मैंने अटेम्प्ट्स किए और फाइनली लास्ट ईयर आई वाज एन आईआरएस ऑफिसर और दिस ईयर आई गॉट आईएएस ऑफिसर। आपने आगे की तालीम सुना के मुंबई से छोड़कर दिल्ली में क्यों? हाँ, एक्चुअली जो इस एग्ज़ाम के जो डिमांड्स थे वो यहाँ पर मेरे फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने जो मास्टर्स और उसके आगे की जो पढ़ाई की थी वो दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का फंडेड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मैंने की। सर, अभी इस पोस्ट पर जाने के बाद क्या आप चाहेंगे कि आपकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में भी हो? हाँ, करियर ऑप्शंस जो आपसे दिया जाता है तो मैंने भरा हुआ है, उसमें करियर ऑप्शंस हैं, तो अगर फुली अगर आई विल गेट महाराष्ट्र कैडर्स सो आई विल हैप्पी टू सर्व। पिछले 4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ यूनिवर्सल में, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कामयाब हो जाएँ, और इस सिलसिले में हमने एक यूनिट हमारा CST में भी खोला है अंजुमन इस्लाम के ताउन से, और वहाँ का भी चल रहा है, लेकिन वहाँ का ये है कि हमारे पास सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं, क्योंकि वो सैटरडे संडे बंद होता है, अंजुमन इस्लाम बंद होता है तो हमको देते हैं, और बाकी दिनों में नहीं मिलता। उसके बरखिलाफ़ यहाँ हमारे पास, ये हमारी अपनी बिल्डिंग है, हमारी अपनी जगह है, तो यहाँ हम हफ्ता भर चलाते हैं, सिर्फ फ्राइडे को बंद रहता है, बाकी सब दिन खुला रहता है। ये 4 साल से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, इसमें 3 बच्चे आ चुके हैं, अरे दोनों जगह क्लासेस होती है, ममरा में भी होती है और अंजुमन इस्लाम में भी होती है, वहाँ हफ्ते में 2 दिन होती है या हफ्ते में 7 दिन होती है, फुल टाइम क्लासेस है 9 से 5 वहाँ पर भी और यहाँ पर, और फ्री कोचिंग है। मेरा नाम वापस से आ गई है, नाम चीज क्वालिफाइड आईएएस इंप्रूव हुआ, उसका परसेंटेज ऑफ पास 42% है आईएएस का, प्रोजेक्ट 2014 की टॉपर है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, एमबीए भी है, नेक्स्ट जस्ट 53% में टॉपर है, नेक्स्ट 2015 की टॉपर सिंपल ग्रेजुएट है 52% में, नेक्स्ट शेख अंसार द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर फ्रॉम महाराष्ट्र जालना, देखिए इसका नेक्स्ट कितना है, जस्ट 44% मार्क्स, प्लीज डिप्टी कलेक्टर एंड सेलिब्रिटी वेस्ट बंगाल में है, 2016 की टॉपर नंदिनी, नेक्स्ट 53% पर टॉपर है, नेक्स्ट रास्ते मतलब प्रीलिम्स आपका क्रैक हो सकता है, बस प्रीलिम्स के लिए मैथमेटिक्स 820 था, देखिए मार्क्स कितने हैं, सिर्फ 939% ही जो है, शी इज सेलेक्टेड आईपीएस ऑफिसर, लेकिन उसको आईपीएस नहीं करना था, आगे जाना था, ये देखिए 2013 का जो है वो अग्रवाल मिली है मुझे IRS में, तो मैं सबसे पहला बंदा था जो जाकर इससे गले वले मिला और बहुत ज़्यादा दीवानों की तरह खुश हो गया, मतलब भाई तू तेरा बेटा पार, मतलब मैं भी तेरे साथ में हूँ, ये हूँ एक दोस्त से होता है पागल में से। ये होने के बाद ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामों के सिलसिले थे, ये स्टूडेंट्स बहुत गौर से सुना, प्रोग्रामों के सिलसिले हर जगह थे, और एक प्रोग्राम में इसने ये कह दिया कि मैं IRS तो बन गया हूँ लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर IAS ऑफिस बनूंगा, और मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ पीछे मस्ती मजाक कर रहा था और मेरी जबान अचानक से बाहर की आया कि क्या बोल रहा है, जिसे अल्लाह ने IRS बना चुका है
जो लाखों की भीड़ में एक अनमोल चीज है जिसको मिल चुकी है, जैसे वो प्रोग्राम खत्म होता है